सब्सक्राइब कीजिए विनोद वर्मा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक पहुंचे सभी लेटेस्ट टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सर्वश्रेष्ठ ऑडियो और वीडियो क्वालिटी में। सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एपिसाइक्लिक गियरबॉक्स, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम एंड हाइड्रोलिक टॉर्क कन्वर्टर। सो हम बार बार सुनते रहते हैं ऑटोमेटिक, हमें कार लेनी है, हमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेना है या हमें गियरलेस गाड़ी लेनी है, तो ये होता क्या है, कितनी तरह का होता है और किस किस तरह से हमें ये हेल्पफुल होता है, तो वी विल डिस्कस ऑल दिस इन टुडेज लेक्चर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम, होता क्या है बेसिकली। तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम इज एन ऑटोमोबाइल गियर बॉक्स दैट कैन चेंज गियर रेशियो ऑटोमेटिकली एज द ऑटोमोबाइल मूव्स अंडर वेरिंग कंडीशंस, दस फ्रीइंग द ड्राइवर फ्रॉम हैविंग टू शिफ्ट गियर मैनुअली। तो बेसिकली जैसे बाकी गियर बॉक्सेस हमने अब तक पढ़े वो सारे मैनुअल गियर बॉक्सेस थे, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के अंदर होता यह है कि देयर इज अ सेल्फ चेंजिंग टेक्निक, और वो टेक्निक्स हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में कि वो कौन कौन सी हो सकती है, बट ड्राइवर को इसमें एफर्ट्स नहीं करने पड़ते कि कब कौन सा गियर लगाना है, ये गाड़ी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से यानी कितना लोड है और कितने टॉर्क पर वो चल रही है उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली चेंज करता रहता है गियर बॉक्स, और इससे जो है एफर्ट्स आपके जो ड्राइवर पर पड़ते थे वो काफ़ी लेस हो जाते हैं। सो इफ़ वी विल टॉक अबाउट द मेरिट्स ऑफ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम, तो हम सबसे बड़ी जो इसकी खूबी देखेंगे दैट इज मोर प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ शिफ्टिंग रिजल्ट्स इन बेटर आउटपुट। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो शिफ्टिंग ऑफ गियर्स है वो बहुत प्रिसाइज हो जाता है। इसका मतलब हम बेसिकली समझते हैं कि कई बार आप गाड़ी जब चलाते हैं टू व्हीलर या फोर व्हीलर, तो आप कई बार देखते हैं कि लगभग आपको गाड़ी को स्टार्ट करते हैं जब हम फर्स्ट गियर में, तो लगभग 5 से 7 या 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आते आते आपको सेकंड गियर लगा लेना चाहिए। लेकिन कई बार जब हम या तो ड्राइविंग सीख रहे होते हैं या कई बार हम किसी और वजह से हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते, और कई बार हमारी गाड़ी की स्पीड 15-20 तक भी चली जाती है और हम फर्स्ट गियर में ही लगे रहते हैं, जबकि आपको सेकंड गियर लगा लेना चाहिए। इसी तरह से सेकंड जो सेकंड गियर से थर्ड गियर है करीबन 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आपको चेंज कर लेना चाहिए, बट होता यह है कि इन सिटी राइड्स हम जनरली इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं टू चेंज द गियर्स अगेन एंड अगेन, तो उससे हमारे को फटीक आ जाती है। लेकिन ऑटोमेटिक गियर सिस्टम में आपको ये फायदा रहता है कि उसमें ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपकी आरपीएम के हिसाब से आपकी लोड के हिसाब से वो गियर्स को चेंज करता रहता है। दूसरा जो अच्छा फायदा है वो है दैट इज नो स्किल रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट ये आस्पेक्ट है, और लगभग 90 से 95% जो गाड़ियाँ ऑटोमेटिक खरीदी जाती हैं उनका कारण यही होता है कि जो ड्राइवर होता है उसको बहुत ज़्यादा स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी आप मान लीजिए गाड़ी अभी चलाना सीखे ही हैं और गियर्स यदि आप ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो गियर वाली गाड़ी में आपको बहुत दिक्कत आ सकती है, लेकिन जो आप ऑटोमेटिक गाड़ी लेते हैं उसमें आपको कोई स्किल नहीं चाहिए, इट इज जस्ट लाइक योर वेरी वेरी सिंपल लूना और एक्टिवा, मतलब आप जैसे जैसे रेस दे रहे हैं वैसे वैसे गाड़ी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल इसी तरीके से फोर व्हीलर में भी आप सिर्फ रेस कंट्रोल कर रहे हैं गाड़ी की, और जैसे जैसे रेस को आप बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे गाड़ी अपने आप आरपीएम बढ़ाती जाएगी, टॉर्क को इंक्रीज करती जाएगी, और जैसे ही आप रेस पे से पांव उठाएंगे ऑटोमेटिकली गियर जो होंगे वो स्टेप डाउन हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब गियर्स अप होने और कब गियर डाउन होने। तो सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट जो इसका प्रॉस्पेक्टस है वो है नो स्किल इज रिक्वायर्ड। लेकिन साथ ही ऑटोमेटिक के कई नुकसान भी हैं, सो वी शुड लुक एट द डीमेरिट्स ऑफ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम। सबसे जो पहला जो हम डीमेरिट देखते हैं दैट इज हाई फ्यूल कंजप्शन ड्यू टू लोअर मैकेनिकल इफिशियंसी। तो देखिए जहाँ भी ऑटोमेटिक की हम बात करेंगे वहाँ पर क्या होगा, आपका इफिशियंसी डाउन हो जाएगी, और इसके पीछे कारण क्या है कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में कई तरीके के हम लोगों को एडिशनल अटैचमेंट्स यूज करने पड़ते हैं, कई तरह के हमारे पास स्लिप अकर होती है और अलग अलग सिस्टम्स में हमें अलग अलग लॉसेस उठाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से फ्यूल इकोनॉमी जो होती है यानी जो आपकी माइलेज होती है वो कम हो जाती है। तो हम कंपेयर करें मैनुअल ट्रांसमिशन से तो मैनुअल की आपको माइलेज हमेशा ज़्यादा मिलेगी, जबकि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आपको कंपेरेटिवली हमेशा लो माइलेज देखने को मिलेगी। इसी तरीके से हम दूसरा जो डिमेरिट देखें वो है हायर इनिशियल कॉस्ट। तो आप ये जानते हैं कि हम कोई से भी गाड़ी का यदि ऑटोमेटिक वर्जन लेने जाते हैं तो वो कॉस्टली होता है। फॉर एग्जाम्पल हम यदि फोर व्हीलर की बात करें और लाइक सपोज हम किया की बात करते हैं, तो किया जो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है लगभग वो 12 लाख की आ रही है, यदि वही आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ लेते हैं तो वो 13-13.5-14 लाख के आसपास आपको लैंड करती है। सो दिस इज हाउ ड्रास्टिकली योर इनिशियल कॉस्ट वेरीज। ओके, यदि हम बात करते हैं थर्ड डिमेरिट की दैट इज मोर कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन लीड्स टू हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। तो देखिए जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होता है वो
बहुत सिंपल नहीं होता है क्योंकि उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स डिजाइन यूज होती है और इसी वजह से उसमें जो पार्ट्स होते हैं वो भी काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और एक दूसरे के साथ उनको बहुत ही प्रिसाइजली जोड़ा जाता है। तो यदि मान लीजिए किसी भी तरीके से उनमें कोई भी वियर एंड टियर होता है या टाइम के साथ में या फिर किसी गलत तरीके से ऑपरेशन करने के कारण में यदि उनमें किसी भी तरह का कुछ भी मेल फंक्शनिंग होती है या कोई पार्ट टूट जाता है तो इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत हैवी होती है एज कम्पेयर टू योर मैनुअल ट्रांसमिशन। तो ये एक थर्ड डिमेरिट है अबाउट योर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम। तो अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट दैट इज कि कौन कौन से ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम्स हम मार्केट में देख रहे हैं और उनका क्या मतलब है और उनके क्या फायदे हैं क्या नुकसान है और लगभग किन मॉडल्स में वो आता है। तो हम एक एक करके हम बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम विच इज करेंटली अवेलेबल इन वेरियस कार सेगमेंट्स। तो अलग अलग नामों से जाना जाता है तो हम इसमें बात करेंगे कि उसका क्या नाम है उसका पूरा नाम क्या बोला जाता है वो किन गाड़ियों में जनरली पाया जाता है। इनके अलावा भी काफी गाड़ियां यहाँ सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए दिया गया है उनका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या होता है साथ ही साथ यूजर्स का उनको चलाने के बाद एक्सपीरियंस कैसा रहता है एंड देन उनकी क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो इस सेगमेंट में हम सबसे पहले बात करते हैं दैट इज AMT जिसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन। तो देखिए ये बहुत कॉमन है इंडियन सिनेरियो की यदि हम बात करें तो और जितनी भी गाड़ियां हैं लाइक मारुति और हुंडई वो मैक्सिमम इसी ट्रांसमिशन सिस्टम का यूज कर रही है फॉर देयर ऑटोमेटिक वर्जन। तो ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन तो जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है कि ये ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन है। इसका मतलब क्या है कि यदि हम देखें तो ये क्या है इट इज अ रेगुलर गियर विथ माइक्रो कंट्रोलर शिफ्टिंग ऑफ गियर्स। यानी कि सच में तो ये देखा जाए तो मैनुअल गियर ट्रांसमिशन सिस्टम ही है यानी जो नॉर्मल मैनुअल में होता है। इसमें ऑटोमेटिक का मतलब ये हो गया है कि जो आप यानी कि जो ड्राइवर गियर चेंज कर रहा था वो अब ड्राइवर के थ्रू ना होकर के क्या किया गया है माइक्रो कंट्रोलर उसमें यूज किया गया है या फिर ECU बोल लीजिए इंजन कंट्रोल यूनिट यूज कर लीजिए जो कि अगेन ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसकी मदद से ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि आप किस RPM पर चल रहे हैं। तो जैसा अभी हमने बोला मान लीजिए हमने प्रीसेट वैल्यू रख दी है कि 10 किलोमीटर पर आवर के बाद में इसकी जो स्पीड है वो सेकंड गियर में शिफ्ट हो जानी चाहिए तो माइक्रो कंट्रोलर विल डू योर टास्क। तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ रेस देनी है गाड़ी ऑटोमेटिकली फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में शिफ्ट हो जाएगी। इसी तरह से जैसे प्रीसेट वैल्यू है मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर पे सेकंड से थर्ड गियर चेंज होना है तो ऑटोमेटिकली वो कर देगा। लेकिन यदि हम इंटरनल गियर सिस्टम की बात करें तो वो बिल्कुल मैनुअल गियर सिस्टम की तरह ही है जैसा हमने पहले मैनुअल गियर सिस्टम पढ़ रखे हैं स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स या फिर कॉन्स्टेंट मैश गियर बॉक्स या फिर सिंक्रोमस गियर बॉक्स वही गियर बॉक्सेस आप लोगों को इसमें होते हैं बट जो शिफ्टिंग होती है वो ऑटोमेटिक कर दी गई है। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है। और जैसा मैंने आपको बताया बहुत सारी गाड़ियां मारुति की हैं हुंडई की हैं टाटा टियागो है ऐसी बहुत सारे मॉडल्स हैं इनके अंदर में AMT ही यूज हो रहा है। तो इसका जो इफेक्ट है जो यूजर इसको यूज करता है उससे हम लोगों को क्या एक्सपीरियंस मिलता है नोटिस स्लाइट डिले इन द चेंजिंग ऑफ गियर्स। तो पहली बात तो ये कि गियर जो होते हैं वो चेंज होने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू मैनुअल गियर सिस्टम। आप देखते होंगे कि रेसिंग कार्स में ड्राइवर्स बहुत तेजी से गियर्स चेंज करते हैं क्यों क्योंकि वो कंप्लीटली मैनुअली कंट्रोल्ड होता है। लेकिन यहाँ पर जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम है वहां पर क्या होता है योर कंट्रोलर यूनिट विल टेक द डिसीजन। तो पहले तो उसको एस्टिमेट करना पड़ता है कि आपकी RPM उस थ्रेशोल्ड पर आ गई या नहीं आ गई उसके बाद वो आपके गियर सिस्टम को सिग्नल भेजता है कि गियर शिफ्ट करना है एंड देन इट विल टेक अ स्लाइट टाइम। तो ये जो डिले है ये हल्की सी नोटिस होती है फॉर ड्राइवर्स लेकिन यदि आप नए ड्राइवर हैं तो आप शायद नहीं पता लगा पाए कि कब गियर शिफ्ट हुआ है। दूसरा ये होता है कि इसका जो यूजर एक्सपीरियंस है AMT का वो है कि इट इज नॉट वेरी स्मूथ। स्मूथ का मतलब ये है कि आपको हल्के जर्क लगते हैं आपको पता लगता है कि गियर चेंज हुआ है मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते बहुत स्मूथ राइड है लेकिन आपको नोटिस हो जाता है कि गियर शिफ्ट हो रहा है। जैसे आप मैनुअल में गियर शिफ्ट करते हैं वैसे ही आपको ऑटोमेटिक में भी गियर शिफ्टिंग महसूस होगी तो इट इज नॉट वेरी मच स्मूथ। यदि हम बात करें AMT के एडवांटेजेस की तो सबसे अच्छा एडवांटेज है कि ये चीपेस्ट होता है यानी हम जितने भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम देखते हैं उनमें सबसे सस्ता ये हमको पड़ता है और इसीलिए बहुत अफोर्डेबल है यानी इससे रेट में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आता। यदि हम बात करें मारुति की या हुंडई की तो 50 से 8 हज़ार रुपए की कॉस्टिंग इंक्रीज होकर के हमें उसी में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम मिल जाता है सेम गाड़ी के लिए। मान लीजिए आप बलिनो की बात करें तो यदि हम मैनुअल ट्रांसमिशन में जाना चाहें या फिर हम ऑटोमेटिक में जाना चाहें हमारे पास दोनों वेरियंट अवेलेबल है बट डिपेंड करता है कि उसके अंदर में कौन सी AMT लगी है या दूसरे टाइप की ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लगी है।
दूसरा हम एडवांटेज की बात करें, दैट इज माइलेज इज ऑलमोस्ट नियर टू मैनुअल, यानी कि यहाँ पे माइलेज बहुत ज्यादा ड्रॉप नहीं होती है, यानी है तो ये ऑटोमेटिक लेकिन बहुत ज्यादा इसके अंदर में क्या होता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की वजह से जो आपका इफिशियंसी है और जो माइलेज है वो बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज नहीं होता। इसके पीछे कारण ये है कि एक्चुअल में हम फिजिकली देखें तो गियर बॉक्सेस आर सेम एंड ऑल द मैकेनिज्म इज सेम एज कंपेयर टू द मैनुअल सिस्टम। तो मैनुअल में जो रखा गया है वही आपको ऑटोमेटिक में रखा है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा माइलेज में डिफरेंस नहीं आता है। थर्ड जो एडवांटेज है दैट इज गुड फॉर सिटी राइड्स, यानी जहां पर सिटी में जो गाड़ियां ज्यादा चलाते हैं वहां के लिए बहुत अच्छी है बिकॉज कॉस्टिंग नहीं बढ़ी है। दूसरा क्या होता है आपको जब सिटी राइड करते हैं तो आपकी स्पीड बहुत स्लो चलती है गाड़ी की, यदि हम दिल्ली बॉम्बे की बात करें या हैदराबाद की बात करें जयपुर की बात करें तो यहाँ पर जो गाड़ियां होती हैं वो बहुत स्लो चलती हैं सिटी राइड्स में, तो बार बार में गियर्स को फर्स्ट सेकेंड थर्ड लगाने में बहुत ज्यादा हेक्टिक होता है और फटी जो ड्राइवर होता है उसको हो जाती है। तो वहां के लिए ये AMT बेस्ट सॉल्यूशन है और इसीलिए सबसे ज्यादा वाइडली इंडिया में बिकने वाला सिस्टम भी है। यदि हम बात करें इसके डिसएडवांटेज की AMT के, तो हम देखेंगे कि जो वी कैन नोटिस द गियर चेंजेस एज इट प्रोड्यूस जर्क व्हाइल शिफ्टिंग, तो ये बड़ा डिसएडवांटेज है कि हमें गियर शिफ्टिंग के टाइम में जर्क महसूस होते हैं, हमें पता लगता है कि गियर्स चेंज हो रहे हैं ऑल्दो दे आर गेटिंग चेंज बाय ऑटोमेटिक सिस्टम। ओके, सो दिस इज अबाउट योर AMT दैट इज ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन। इसके बाद जो हम दूसरा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम देखते हैं दैट इज CVT, तो द फुल फॉर्म इज कंटिन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन। तो CVT भी बहुत सारी गाड़ियों में लगाया जाता है, आप इवन आप देखेंगे तो आपके जो होंडा एक्टिवा है उसमें भी कंटिन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन ही यूज होता है। आप कई बार गो कार्ट्स बनाते हैं या फिर ATV बनाते हैं वहां पर भी हम इस तरह के इंजन को यूज करते हैं, ट्रांसमिशन को एम्प्लॉय करते हैं। तो यदि हम कुछ मॉडल्स की बात करें तो होंडा सिटी है, होंडा की जज है, होंडा अमेज है, इनमें प्लस मारुति की बलिनो में हम बात करें तो CVT ही यूज किया जा रहा है और भी बहुत सारी गाड़ियां जिनमें CVT यूज किया जा रहा है। तो इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या होता है तो आप इसको समझना चाहें तो इसमें क्या होता है बेसिकली दो गियर्स आमने सामने लगे होते हैं और वो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट डायमेंशन के होते हैं। इसका मतलब होता है कि जो गियर्स होते हैं वो क्या होते हैं पुली शेप के होते हैं, पुली मतलब एक तरफ से वाइड होते हैं एक तरफ से स्मॉल होते हैं। तो जो इसके अंदर में जो गियर्स हैं उसके बीचों में एक बेल्ट लगी रहती है, तो क्या होता है कि जैसे जैसे आपके RPM बढ़ते हैं तो बेल्ट क्या होता है एक लेफ्ट से राइट में शिफ्ट होती है। तो एक जैसा हमने कि कॉन्स्टेंट मैश में और स्लाइडिंग मैश में देखा था कि आउटपुट शाफ्ट पे यदि आपका बड़ा गियर लगाए तो लो RPM ट्रांसफर होंगे, लेकिन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो गियर लगा होता है ले शाफ्ट पे वो छोटा होता है। इसी तरीके से ले शाफ्ट पे यदि बड़ा गियर लगाए और आउटपुट शाफ्ट पे छोटा गियर लगाए तो RPM ज्यादा मिलेंगे। तो हम यहाँ गियर्स ना लगा करके हम क्या करते हैं सिंपल पुली लगा देते हैं जिसके बीच में हम बेल्ट को फ्लक्चुएट कराते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। तो जैसे जैसे RPM बढ़ता है वो बेल्ट अपने आप से क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से अपर से लोअर पर और लोअर से अपर पर शिफ्ट होती रहती है, जिसके कारण हमारे पास एन नंबर ऑफ गियर्स लगते हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जब हम CVT की बात करें तो यहाँ नहीं कह सकते कि हम इसमें इस गाड़ी में 5 गियर हैं या 7 गियर हैं या 9 गियर हैं, एक्चुअली देयर आर एन नंबर ऑफ गियर। तो आप जैसे जैसे रेस देते हैं वैसे वैसे जो आपकी बेल्ट होती है वो दोनों कोन पुलिस के बीच में क्या होती है लेफ्ट टू राइट फ्लक्चुएट करती रहती है और आपके आपकी जो ट्रांसमिशन है उसमें डिफरेंट स्पीड्स आपको मिलती है। तो इसका यदि हम यूजर एक्सपीरियंस की बात करें तो नो जर्क्स प्रोड्यूस विथ नॉर्मल स्पीड, तो हम देखेंगे कि जब हम नॉर्मल स्पीड में चलते हैं तो जर्क्स हमें महसूस नहीं होते क्योंकि जो बेल्ट है वो कंटिन्यूअसली अप एंड डाउन हो रही होती है, एक तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट हो रही होती है, तो हमें बिल्कुल भी इसमें जर्क्स नहीं लगते। लेकिन ये एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं होता उन ड्राइवर्स के लिए जो काफी एंथुजियास्टिक होते हैं, यानी कि आपने देखा होगा बहुत सारे ड्राइवर्स ऐसे होते हैं जिनको काफी तेजी से गाड़ी को एकदम से एक्सेल करना होता है, तेज भगाना होता है, कभी वो स्लो कर देते हैं, कभी उनको ओवरटेक करना होता है किसी दूसरी गाड़ी को। तो इस तरह की जो ड्राइविंग सेंस रखते हैं जो ड्राइवर्स होते हैं उनके लिए ये CVT बिल्कुल भी सही तरीके का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं है। वाई? बिकॉज उसमें एक लैगिंग होती है, यदि आप जैसे ही फुल रेस दे देंगे तो ऐसा नहीं है कि गाड़ी भी एकदम फुल रेस पकड़ लेगी, यू नीड सम टाइम बिकॉज उसमें जो आपकी बेल्ट घूम रही है उसमें एक इलास्टिसिटी होती है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं रबर एक्शन होता है जो कि क्या होता है एक लैग करता है, मतलब कि आप जैसे जैसे RPM बढ़ा रहे हैं
आपने रेस तो बढ़ा दी लेकिन उसी रेशियो में आपके पास एकदम से आरपीएम नहीं मिल पाते हैं, तो यू नीड सम टाइम, तो आपको वो लैग मिलता है। और आप जानते हैं कि यदि हम हाईवे पे 120 130 की स्पीड में चल रहे हैं तो दैट लैग कैन बी डेंजरस। यदि हम ओवरटेकिंग कर रहे हैं तो हमें वहां बिल्कुल लैग नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि हम जैसे ही रेस बढ़ाए हमारी गाड़ी तुरंत से रेस्पॉन्स करे और हमारी गाड़ी उस स्पीड को एक्वायर करे। बट इट इज नॉट हैपनिंग इन सीवीटी, सो इट इज नॉट वेरी मच गुड फॉर सच काइंड ऑफ ड्राइवर्स, बट यस फॉर सिटी राइड्स इट्स गुड। सो एडवांटेज की हम बात करें, गुड फॉर ट्रैफिक रोड्स, तो जहाँ पर भी ट्रैफिक होती है आप देखेंगे एक्टिवा बहुत लोग प्रीफर करते हैं इन सिटी राइड्स, एज वेल एज ऑटोमेटिक कार्स बहुत सारी प्रीफर करते हैं जो कि सिटी राइड में यूज होती है, एंड अगेन दे आर ऑफ सीबीटी टाइप, तो बहुत अच्छी है सिटी राइड में क्योंकि जर्स नहीं लगते हैं इसमें। वेरी स्मूथ इन सिटी ट्रैफिक, हाईएस्ट माइलेज विद रेस्पेक्ट टू अदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, तो एक ये अच्छी बात है कि सीबीटी के अंदर में आपको जो मैनुअल से यदि हम कंपेयर करें तब तो हम मान सकते हैं कि हमारा जो फ्यूल इकोनॉमी है वो डाउन होता है, लेकिन यदि हम बात करें अदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस के सो इट प्लेस फार बेटर रोल। यदि हम कंपेयर करें तो इसका जो माइलेज है वो काफ़ी अच्छा मिलता है हमको विद रेस्पेक्ट टू अदर टू टाइप ऑफ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। अभी हम जो बात कर रहे हैं हम फुल्ली ऑटोमेटिक से इसको कंपेयर कर रहे हैं, वी आर नॉट कंपेयरिंग इट विद एएमटी। तो देखिए एएमटी एक तरह से हम नहीं कह सकते कि वो फुल्ली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम है, वो एक तरह का ऑटो मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम है, तो हम इसको एएमटी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम इसको कंपेयर कर रहे हैं विद डीसीटी एंड टॉर्क कन्वर्टर। तो उन तीनों के रेस्पेक्ट में यदि हम बात करें तो सीबीटी इज गिविंग अ फार बेटर माइलेज, ठीक है। और यदि हम इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिले ड्यू टू बेल्ट लाइक रबर इफेक्ट, तो अभी जैसा हमने डिस्कस किया कि एक डिले हमको मिलता है जैसे हम हाई स्पीड की बात करते हैं, इट इज नॉट सिग्निफिकेंट इन लोअर स्पीड, तो धीरे स्पीड में हम इसको नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं, लेकिन यदि आप हायर स्पीड में हैं तो डेफिनेटली यू कैन फील दैट लैग, ठीक है। एंड सिमिलरली बैड इन ओवरटेकिंग, तो आप इस तरह की चांसेस नहीं ले सकते हैं विद सीवीटी ड्राइव, ओके। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम, दैट इज डीसीटी, और इसी को हम बोलते हैं ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन। इसी का एक थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है, उसमें भी डबल क्लचेस हम यूज करते हैं, दैट इज नोन एज डीएसजी, दैट इज डायरेक्ट शिफ्ट गियर्स। तो ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन जो हम लोग यूज करते हैं वो कई सारी गाड़ियों में हाई एंड कार्स के अंदर यूज होता है, काफी लग्जरी गाड़ियां हैं जिनके अंदर में इस तरह के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम हमें प्रोवाइडेड होता है, लाइक स्कोडा किया के जो टॉप मॉडल्स हैं ऑटोमेटिक के, उनके अंदर में डीसीटी आपको मिलेगा, वॉक्सवैगन में आपको मिलेगा, बेंज में मिलेगा, और फेरारी में भी आपको ये देखने को मिलेगा, कुछ बीएमडब्ल्यू के भी मॉडल्स हैं जिसमें डीसीटी यूज होता है, तो काफी वाइडली यूज होता है, एंड दे आर एक्चुअली ऑटोमेटिक टाइप ट्रांसमिशन। यदि हम बात करते हैं तो एक्चुअल जो हमें फील होता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का वो इन सब गाड़ियों में हमको देखने को मिलता है। प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग की यदि हम बात करें कैसे काम करता है, तो देखिए एज अ नेम सजेस्ट ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन, यानी हमें इसमें सिंगल क्लच ना होके इसमें डबल क्लच मिलता है हमको, तो डबल क्लच से हमको क्या फायदा होता है कि इसमें जो क्लचेस होते हैं वो क्या होता है अल्टरनेटिव जो गियर्स होते हैं उनको एंगेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट क्लच होता है वो हमारे पास में 1, 3, 5, 7 जो गियर्स हैं उनको क्लच करता है, और जो दूसरा जो सेट है जो सेकंड क्लच है वो हमारे 2, 4, 6 और रिवर्स को हमारे पास एंगेज और डिसएंगेज करता है। तो इससे हमें फायदा क्या होता है कि जब हमारी गाड़ी फर्स्ट में आ रही है तो हम फर्स्ट क्लच को यूज कर रहे हैं तो हमारा वो क्लच भी रोटेट हो रहा है, तो कुछ आरपीएम में वो हमेशा रोटेट होता रहता है, लेकिन हम जैसे सेकंड क्लच को सेकंड गियर को एंगेज करने की बात करें तो उस टाइम में सेकंड गियर स्टेशनरी था, तो हम जैसे इसको एंगेज करते हैं तो काफी स्मूथली इसको एंगेज कर लेता है, और जैसे हम सेकंड में चल रहे होते हैं तब तक फर्स्ट जो क्लच शाफ्ट होती है वो क्या होती है रेस्ट पोजीशन में आ जाती है, तो हम जब सेकंड से थर्ड पे जाते हैं तो अगेन हमें जर्क नहीं लगता क्योंकि फर्स्ट जो क्लच है वो वापस स्टेशनरी पोजीशन में आ चुका था, तो हम जैसे एंगेज करते हैं तो उसमें बहुत स्मूथ कनेक्टेड वो हो जाता है उस पर्टिकुलर गियर से। फिर हम इसी तरीके से फर्स्ट गियर पे जब फर्स्ट क्लच पे चल रहे हैं और हमें वापस से सेकंड जो है क्लच की तरफ जाना है तो हमें बहुत इजीली और बहुत स्मूथली हमें क्लच एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट देखने को मिलता है। सो इट इज दी आर्ट ऑफ दिस टू क्लच सिस्टम, तो इसकी वजह से जो राइड है वो बहुत बहुत स्मूथ हो जाती है, और जो ड्राइवर है उसको बिल्कुल पता नहीं चलता कि गाड़ी में कब गियर शिफ्ट हो रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये बहुत स्मूथ और इफेक्टिव रहती है। तो यूजर्स का एक्सपीरियंस यही कहता है कि इट इज वेरी स्मूथ एंड इफेक्टिव, और आपको पता भी नहीं चलता है कि कब गाड़ी स्पीड ले रही है तो कब गाड़ी में गियर्स चेंज होते जा रहे हैं। इसी तरीके से हम इसके एडवांटेजेस की बात करें, दैट इज वेरी फास्ट इन स्विचिंग गियर्स एंड वेरी स्मूथ, तो देखिए
अभी हमने बात करी इसमें दो क्लच हैं, तो जो गियर शिफ्टिंग होती है वो बहुत फास्ट हो सकती है, यानी फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड आप बहुत तेजी से लगा सकते हैं। क्योंकि यदि हम सिंगल क्लच की बात करते हैं तो फर्स्ट से जब हम सेकंड पे आते हैं तो हमें कुछ टाइम देना पड़ता है जिससे कि उसके आरपीएम सिंक्रोनाइज कर पाएं, और सेकंड से थर्ड में आएंगे तो हम वापस से कुछ टाइम लेंगे जिससे कि गाड़ी में किसी तरह का झटका नहीं आए। क्योंकि क्लच एक ही है और वो रोटेट हो रहा है तो हम चाहते हैं कि उसको थोड़ा सा रेस्ट मिले जिससे कि हम गियर शिफ्ट कर सकें। लेकिन डीसीटी में ऐसा नहीं है, आपके दो पैरेलल क्लचेस काम कर रहे हैं तो आप वन बाय वन गियर्स को फटाफट स्विच कर सकते हैं और जो आपको जर्क है वो बिल्कुल इसमें महसूस नहीं होता है। सो इट इज मेजर एडवांटेज ऑफ डीसीटी। इसी तरह से हम डिसएडवांटेज की बात करें तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स डिजाइन है। तो डीसीटी जो होता है, डबल क्लच हमने यूज किया हुआ है, तो जो इसका डिजाइन है वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और डिजाइन जब कॉम्प्लेक्स हो गया, आपके पार्ट्स जब कॉम्प्लेक्स हो गए तो आपको मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफी ज्यादा पड़ती है। यानी कि आपकी यदि कोई भी फॉल्ट होता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको मेंटेनेंस में काफी खर्चा करना पड़ता है। सिमिलरली यदि हम बात करें कि इसकी कॉस्ट की, तो डीसीटी जो ड्राइव्स होती हैं वो काफी एक्सपेंसिव होती हैं। यदि हम कार की बात करें तो किया का टॉप मॉडल जो है लगभग 20-21 लाख के आसपास में पड़ता है, दैट हैव टर्बो चार्जर, तो उसके अंदर में हम लोग देखेंगे तो डीसीटी मिलेगा, लेकिन अगेन उसके मैनुअल से उसमें करीबन 2 लाख रुपए का आपको अंतर देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव ये जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है पड़ता है। अगेन हम बात करते हैं माइलेज की, तो माइलेज काफी लेवल पे ड्रॉप डाउन होता है इसमें विद रेस्पेक्ट टू मैनुअल ट्रांसमिशन। यदि हम बात करें उसी का सेम वर्जन, यदि हम बात करते हैं किसी गाड़ी का, मान लीजिए स्कॉडा की हम बात करते हैं, मैनुअल ट्रांसमिशन में लेते हैं और हम ऑटोमेटिक में लेते हैं डीसीटी के साथ, तो हमारे माइलेज में आप देखेंगे लगभग 2 से 3 किलोमीटर पर लीटर का अंतर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका 8 या 9 का एवरेज मैनुअल ट्रांसमिशन में मिल रहा है, तो हो सकता है 6 से 7 के बीच में ही आपको आपके जो डीसीटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है उसका आपको जो माइलेज देखने को मिलेगा। सो इट इज द ड्रॉबैक ऑफ योर डीसीटी टाइप ऑफ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम। हम लास्टली बात करें जो आपको काफी कॉमनली मिलता है, दैट इज कॉल्ड टॉर्क ट्यूब कन्वर्टर। तो टॉर्क कन्वर्टर भी बोलते हैं इसको, सॉरी टॉर्क ट्यूब नहीं है, ये टॉर्क कन्वर्टर ही है। सो इन टॉर्क कन्वर्टर व्हाट वी हैव ए सेट ऑफ यू नो दैट इज इम्पेलर एंड टर्बाइन, एंड ड्यू टू दैट वी विल ट्राई टू इंक्रीज द टॉर्क आउटपुट। तो इसमें क्या होता है, आपके पास हाइड्रोलिक टॉर्क यूज होता है, और बहुत जो पुरानी टेक्निक, यदि हम बात करें सबसे पुरानी, ये लगभग 1950s-60s के अंदर में ये चीजें शुरू हो चुकी थी और अभी तक ये काफी गाड़ियों में यूज किया जा रहा है। यदि हम बात करें BMW या फिर Hyundai की, वरना की हम बात करें तो उसमें टॉर्क ट्यूब आपको देखने को, सॉरी टॉर्क कन्वर्टर आपको देखने को मिलेगा। तो काफी पुरानी टेक्निक है और काफी रिफाइनमेंट हो चुका है, यानी काफी इसके अंदर में एडवांसमेंट आ चुका है, तो इस वजह से ये काफी रिलायबल है। तो टॉर्क ट्यूब आज भी काफी गाड़ी हैं, जर्मन गाड़ियां हैं, फ्रांस में जो गाड़ियां बन रही हैं वो काफी हद तक इन गाड़ियों, इन ट्रांसमिशंस को यूज करती है। तो यूजर एक्सपीरियंस की हम बात करें तो इट इज वेरी वेरी गुड फॉर सिटी यूज, बट नोटिस गियर शिफ्ट एट हायर स्पीड बट लेस देन AMT। तो यदि हम बात करें सिटी राइड की, तो अगेन जैसे CVT में हमने बात की थी कि हमें जर्क महसूस नहीं होते हैं, लेकिन जब तक हम स्लो स्पीड में बात करते हैं, और जनरली हम यदि सिटी राइड की बात करते हैं तो 60-80 मैक्सिमम स्पीड हमको सिटी में देखने को मिलती है, सो दैट गियर शिफ्टिंग इज नॉट नोटिसेबल। लेकिन यदि हम बात करते हैं हायर स्पीड की, यानी हम हाईवे पे जब चलते हैं तो हमारे को हायर जब स्पीड पे इसमें जो शिफ्ट होती है उसको हमें महसूस गाड़ी में महसूस होता है। लेकिन स्टिल यदि हम कंपेयर करें AMT से, तो इट इज स्मूथर देन AMT। AMT तो टोटली मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम ही है जिसको सिर्फ माइक्रो कंट्रोलर्स लगा करके ऑटोमेटिकली चेंज किया जा रहा है, लेकिन टॉर्क कन्वर्टर जो होता है वो काफी स्मूथ होता है विद रेस्पेक्ट टू AMT। ओके, यदि हम एडवांटेजेस की बात करें तो मोस्ट पॉपुलर एंड ओल्डेस्ट, सबसे पॉपुलर है और सबसे पुराना है जो है टॉर्क ट्यूब टॉर्क कन्वर्टर। तो टॉर्क कन्वर्टर की यदि हम बात करें तो बहुत सारी गाड़ियों में स्पेशली लिखा रहता है कि इट इज AMT, इट इज CVT, इट इज DCT और DSG, और यदि कई बार किसी पे लिखा नहीं है, सिर्फ लिखा है कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इसमें आपको मिलेगा, तो मान के चलिए कि मैक्सिमम गाड़ियों में वो टॉर्क ट्यूब कन्वर्टर ही होगा, टॉर्क कन्वर्टर ही होगा। तो बहुत पॉपुलर है, बहुत रिलायबल, एंड हेंस द वन मोर एडवांटेज इज स्मूथ गियर चेंज एट लो स्पीड। तो हमारे लिए ये और एडवांटेज होता है टॉर्क कन्वर्टर का। यदि हम बात करें डिसएडवांटेज की, तो माइलेज बहुत पुअर हो जाती है, क्योंकि देखिए हाइड्रोलिकली जैसा हमने फ्लाईव्हील पढ़ा था, तो हाइड्रोलिकली हम एक एंड से दूसरे एंड पे हमारा टॉर्क ट्रांसफर कर रहे थे।
सिमिलरली अभी हम आगे पढ़ेंगे कि टॉर्क कन्वर्टर कैसे काम करता है, तो वही प्रिंसिपल होता है, उसमें थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है, लेकिन वहां पे हमने पढ़ा था कि स्लिप अकर होती है। जैसे जैसे स्लिप अकर होती है तो हमारे पास जो लॉसेज हैं वो बढ़ जाते हैं और उसकी वजह से अल्टीमेटली माइलेज जो होता है वो पुअर हो जाता है। तो यदि हम बात करें मैनुअल ट्रांसमिशन की तो लगभग 1 से 2 किलोमीटर पर लीटर का जो आपको फॉल देखने को मिलता है इसकी माइलेज के अंदर में, और इसका दूसरा ड्रॉबैक है वो है एट हाई स्पीड वन कैन नोटिस द गियर चेंज। तो टॉर्क कन्वर्टर में हमको ये देखने को मिलता है। ऑल्दो इन योर सिलेबस इट इज नॉट मेंशन कि व्हाट टाइप ऑफ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम्स आर देयर, बट वी आर टेकिंग दिस टॉपिक बिकॉज दीज आर दी अवेलेबल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस विच आर कमिंग इन मोस्ट ऑफ द कार्स एट द मोमेंट। ओके, तो ये हमारे पास ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम का टोटल डिटेल है। अब हम बात करते हैं आगे कि हमारे पास जो इतनी साइक्लिक गियर बॉक्स होता है वो किस तरह से काम करता है। तो हम एक गियर बॉक्स की मदद से वेरिएबल इसके अंदर में भी स्पीड्स एक्वायर कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज इतनी साइक्लिक गियर बॉक्स। आई होप आप लोगों ने ये और डॉम में भी पढ़ रखा होगा। सो एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स व्हाट इट हैव एन एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन आल्सो नोन एज प्लेनेटरी गियर कंसिस्ट ऑफ टू गियर्स माउंटेड सो दैट द सेंटर ऑफ वन गियर रिवॉल्व्स अराउंड द सेंटर ऑफ द अदर गियर। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होता है एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स के लिए वही होता है कि जो दो गियर्स होते हैं उनकी जो एक्सिस है यानी इनपुट और आउटपुट की जो एक्सिस है वो हमेशा सेम होती है। तो आप इस डायग्राम में भी देख पा रहे हैं कि लेफ्ट से जो एक्सिस है वो राइट के एक्सिस के बिल्कुल कोएक्सियल होगी। A carrier connected the centers of two gears and rotates to carry one gear called planet gear or planet pinion around the other called the sun gear or sun wheel. तो देखिए इसमें हर एक एक पार्ट का nomenclature है, हम आगे डायग्राम में देखेंगे कि हम किसको क्या बोलते हैं। The planet gear and sun gears meshes so that their pitch circle rolls without slip. और जो planet gear हैं और sun gear हैं यदि हम बात करें तो लाइक आवर सोलर सिस्टम, हम यदि बात करते हैं कि सन गियर जो होता है वो बीच में होगा और जो प्लैनेट गियर होंगे वो उसके चारों तरफ घूमेंगे। तो यदि हम इस डायग्राम में बात करें तो यहाँ पर आपको 3 गियर दिख रहे हैं जो चारों तरफ घूम रहे हैं, तो दे आर योर प्लैनेट गियर्स और जो बीच में घूम रहा है दैट इज योर सन गियर जस्ट एज योर सोलर सिस्टम। तो इसी तरीके से हमने इसको नाम दिया हुआ है। अ पॉइंट ऑन द पिच सर्कल ऑफ द प्लैनेट गियर्स ट्रेसेस एन इप्लॉइड एपिसाइक्लॉइड कर्व। तो जो कर्व है वो यदि हम ड्रॉ करेंगे तो वो आपको एपिसाइक्लॉइड मिलेगा। इन दिस सिंप्लीफाइड केस द सन गियर इज फिक्स्ड एंड द प्लैनेटरी गियर्स रोल अराउंड द सन गियर। तो इसमें हम अलग अलग चीज को स्टेशनरी करके अलग अलग आरपीएम्स ले सकते हैं। कभी हम इसके रिंग गियर को स्टेशनरी कर सकते हैं, कभी हम सन गियर को, कभी हम प्लैनेटरी गियर को स्टेशनरी कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हम इसका कट सेक्शन पहले देखते हैं। और ये हमारे पास एक एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स नजर आ रहा है, पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हम लेफ्ट से शुरू करें तो जो आपको ब्लैक कलर की दिख रही है ये आपके पास इनपुट शाफ्ट है, ठीक है। तो सामने से जो इनपुट आ रही है उसी के साथ में आपके पास एक आर्म लगी हुई है, दिस इज ट्रायंगुलर आर्म, और इस ट्रायंगुलर आर्म के ऊपर में आपके पास में ये प्लैनेटरी गियर्स आप देख सकते हैं माउंटेड हैं। ये प्लैनेटरी गियर्स क्या करेंगे आपके इस आर्म के साथ में घूमते रहेंगे। इसको कई बार हम कैरियर भी बोलते हैं, दिस इज कैरियर आर्म जो आपको ये दिख रही है, दिस इज कैरियर आर्म। और इस कैरियर आर्म के तीनों एंड पर आप देखेंगे आपके पास में प्लैनेटरी गियर लगे हुए हैं, दे आर ऑफ येलो कलर। यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो ये येलो कलर के आपके पास प्लैनेटरी गियर लगे हुए हैं, और ये प्लैनेटरी गियर का जो टीथ है वो आपके पास जो रिंग गियर है उसके साथ मैच होता है। तो आप बाहर की जो गियर देखेंगे ग्रीन कलर में दैट इज योर रिंग गियर। तो जो रिंग गियर है उसके साथ में आपके पास जो प्लैनेटरी गियर है वो माउंटेड है। देन अगेन हम बात करें तो जो आपके पास येलो कलर में गियर है उसी के साथ में आपके पास एक रेड कलर में भी गियर्स माउंटेड है, दे आर कंपाउंड गियर्स। जिस आरपीएम पे आपका येलो गियर घूमेगा उसी आरपीएम पे आपका रेड गियर घूमेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि येलो से जो रेड का जो है कॉमन शाफ्ट यूज की गई है, तो जो आरपीएम आपको येलो पे मिल रहे हैं वही आरपीएम आपको रेड पर भी मिलेंगे। सो दिस इज अबाउट द रेड, और जो रेड है वो मैच में रहता है ब्लू कलर के आपके पास सन गियर के साथ में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सन गियर लगा हुआ है जिसको रेड गियर क्या कर रहे हैं घुमा रहे हैं, और जो पावर आउटपुट है वो आपके पास में यहाँ पर आप देखेंगे कि ब्लू कलर से आपके पास में पावर आउटपुट बाहर ट्रांसमिशन लाइन को जा रहा है। सो दिस इज हाउ द कंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन दिस एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड
मोर डिटेल्स अबाउट दी गियर्स। तो हम यदि हम गियर्स की बात करेंगे तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं इस रिंग गियर की जो आपको ग्रीन कलर से दिखा रखा है, तो इसके अंदर में जस्ट फॉर वन एग्जाम्पल वी हैव टेकन कि इसमें 96 आपके पास टीथ हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ग्रीन कलर का जो रिंग गियर है, यदि हम साइड व्यू में देखते हैं तो आपके पास जो ग्रीन कलर का जो रिंग गियर है वो आपके पास 96 टीथ कैरी करता है। इसी तरीके से यदि हम येल्लो गियर्स की बात करें, जो हमारे पास तीन येल्लो प्लैनेटरी गियर्स हैं, हम यदि इनकी बात करें तो इन पर जो नंबर ऑफ टीथ हैं दे आर 24। तो हमारे पास ये 24 टीथ हैं ऑन ऑल थ्री येल्लो, ठीक है। इसके बाद यदि हम रेड गियर की बात करें जो जस्ट आपके येल्लो के साथ में एडजेसेंट है, कंपाउंडेड है, तो ये जो रेड वाला है इसमें 48 टीथ आपको देखने को मिलेंगे, सॉरी 24 टीथ आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये आपके पास नो इट्स नॉट मेंशन प्रॉपरली इट इज 48 इट इज नॉट 24 बट इट इज 48। ओके, सो जो रेड वाले आपको देखने को मिल रहे हैं इसके ऊपर में 48 टीथ बने हुए हैं और जो अंदर येलो था वो उसके अंदर में 24 टीथ बने हुए हैं। ओके, और इसी तरह से आप ये ब्लू कलर का जो गियर देख रहे हैं जो आपके पास सन गियर है इस पे भी 24 टीथ बने हुए हैं यहाँ पर। तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि हमने डॉम में भी इस बात को पढ़ रखा है कि यदि हमें गियर रेशियो निकालना होता है तो इट इज ड्रिवन अपॉन ड्राइविंग, ठीक है। तो हमेशा जो ड्राइव कर रहा है जो ड्राइविंग गियर है वो नीचे की तरफ में रहेगा और जो आउटपुट शाफ्ट है ड्रिवन है उसके जो टीथ हैं आप उस पर इसको रेशियो को रख सकते हैं या फिर आरपीएम पे रख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इट इज ड्रिवन अपॉन ड्राइविंग। और यहाँ पर यदि हम एक एग्जांपल लेते हैं तो हमारे को मिलेगा कि यदि हमारे पास आउटपुट शाफ्ट पे 75 टीथ है और इनपुट शाफ्ट पे 25 टीथ है तो जो रेशियो मिलेगा वो आपको 3:1 का मिलेगा। तो इट इज 75/25 तो इट विल बी 3:1। तो यहाँ पर यदि हम इस तरह की गियर ट्रेन यूज करते हैं तो हमारे को लगभग 3 गुना स्पीड इंक्रीमेंट मिलेगा। तो दिस इज हाउ वी आर डूइंग इट ओवर हियर। यदि हम इसी तरीके से इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो हमें देखने को मिलेगा कि आपके पास जो रेड गियर है जो इनपुट पे और जो फाइनल सॉरी जो आउटपुट पे रेड गियर है एंड जो इनपुट पर आपके पास ब्लैक कलर से जो इनपुट आ रही है जो ब्लैक कलर का आपको इनपुट शाफ्ट दिखा रखा है इसका जो रेशियो है फाइनल रेशियो वो आपके पास मिलेगा 1+G/Y यानी कि ग्रीन अपॉन येलो इनटू रेड अपॉन ब्लू। सो ये आपके पास में फॉर्मूला रहेगा फॉर दिस पर्टिकुलर एपिसाइक्लिक गियरबॉक्स। और यदि हम इसके अंदर में वैल्यूज पुट करें 1 कांस्टेंट है प्लस G/Y यानी ग्रीन पर हमारे पास नंबर ऑफ टीथ कितने हैं यू कैन सी 96 टीथ हमारे पास ग्रीन पर हैं और येलो पर हमारे पास कितने हैं 24। सो द रेशियो विल बी 4। तो ये आपके पास 4 आ जाता है इनटू आर अपॉन बी। तो रेड पर यदि हम बात करें तो अगेन 48 है और ब्लू के ऊपर में आपके पास 24 है तो ये रेशियो आपके पास 2 आ जाता है 48 अपॉन 24। सो ये आपके पास रेशियो 2 आ जाता है। तो यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो द रिजल्ट विल बी 9 यानी कि आपकी जो इनपुट है उससे आउटपुट है वो लगभग 9 टाइम्स फास्टर घूमेगी। तो हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो हाउ इट इज वर्किंग। तो नाउ लुक एट दिस। सो वी विल ट्राई टू चेक द विजुअलाइजेशन। यदि आप देखना चाहते हैं कि यदि आप इस डायग्राम में समझना चाहते हैं इसके कंस्ट्रक्शन को तो हम एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर सबसे लेफ्ट से हम शुरू कर सकते हैं और हम अलग अलग क्रॉस सेक्शंस के हिसाब से देख सकते हैं कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो किस तरीके से इसके अंदर में काम कर रहा है। तो हम सबसे पहले जो क्रॉस सेक्शन देखते हैं आप जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है दैट इज नंबर 1। ये जो आपका पहला क्रॉस सेक्शन है यानी इस पूरे गियर्स को सबसे पहले यहाँ से काटा जाएगा तो आपको सिर्फ इनपुट शाफ्ट दिख रही है विच इज शोन विद योर ब्लैक डॉट। यदि हम आगे बढ़ते हैं और हम आगे सेकंड सेक्शन से काटते हैं यदि हम यहाँ पर इसको काटते हैं और सामने देखते हैं तो हमारे को सिर्फ रिंग गियर नजर आएगी दैट इज इन कलर ग्रीन और उसमें जो तीन आपको प्लेनेटरी गियर दिख रहे हैं वो माउंटेड हैं क्योंकि हमने जो सेक्शन किया है वो इस पर्टिकुलर लाइन पर किया है। यदि हम उससे आगे चलते हैं और हम एक सेक्शन और करते हैं यदि तो हमें देखने को मिलेगा कि थर्ड जो पॉइंट है दिस वन यहाँ पर आपके यदि हम सेक्शन करते हैं तो आपको कैरियर आर्म भी यहाँ पर देखने को मिल रही है और आपको यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास
जो कंपाउंड गियर है उसकी भी शाफ्ट आपको कटी हुई हल्की हल्की यहाँ पर नजर आ रही है, राइट। सो ये आपके पास में नेक्स्ट कटिंग प्लेन से व्यू है। देन यदि हम और आगे चलें और हम फोर्थ एंगल पे काटें यानी फोर्थ कटिंग व्यू काटेंगे तो हमारे को देखने को मिलेगा कि हमारे को रेड वाले गियर्स भी देखने को मिल गए हैं। इसके बाद येलो तो हम पहले ही देख चुके थे, उसी के साथ में रेड वाले भी हमारे जुड़े हुए हैं और यहाँ पर ही इस कटिंग प्लेन में ही आपको ब्लू वाला भी गियर साथ में नजर आ रहा है, तो ब्लू गियर भी आपको यहाँ पर माउंटेड नजर आएगा। और यदि हम बिल्कुल लास्ट में कटिंग देखें यानी कि आउटपुट शाफ्ट को भी हम यदि इंक्लूड करना चाहें तो हमें एक कट और देखना पड़ेगा इसका, और वो होगा यहाँ पर। तो बिल्कुल लास्ट में हम देखेंगे, यहाँ पर हम क्रॉस लाइन देखते हैं तो आपको यहाँ पर पूरा जो गियर्स हैं टोटल इसके अंदर में आपको देखने को मिलेंगे, जो 9 गियर हैं, 6 गियर तो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7th हो गया, आपके पास एक रिंग गियर 8th हो गया और एक कैरियर आर्म 9 हो गई। तो इस तरीके से 9 टोटल इसके अंदर में आपके गियर्स यूज हो रहे हैं। यदि हम बात करते हैं इसकी, जो अभी हमने कैलकुलेशन निकाली है कि 9 रेशियो पे ये घूम रहा है, तो हम इसको फिजिकली चेक करना चाहते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को इसका एक एनिमेशन शुरू कर रहा हूँ और आपको करना ये है कि एक पॉइंट हम कोई सा भी फिक्स कर लेते हैं। देखिए कैरियर आर्म पर आपको एक पॉइंट दिख रहा है बड़े कलर बड़े से सर्कल में और एक ब्लू कलर में आपको एक छोटा सर्कल दिख रहा है। तो अभी हमने बोला कि जो आरपीएम आपके पास आ रही है इंजन से वो आपकी ब्लैक वाली को मिल रही है और वही सेम आरपीएम आपके कैरियर आर्म को भी मिल रही है। तो कैरियर आर्म पे जो आपके पास डॉट है इस डॉट को हम इनपुट मान सकते हैं। तो मान लीजिए हम किसी एक जगह से इसकी काउंटिंग शुरू करेंगे यानी कि इसका एक रिवॉल्यूशन पूरा होता है आपके पास, तो हम देखना चाहते हैं कि हमारा आउटपुट शाफ्ट यानी कि ये जो छोटा वाला डॉट है ये कितनी बार घूमता है। तो हम इसको समझने के लिए क्या करते हैं, एक जगह पर हमारा पॉइंटर रख देते हैं और हम वापस इस सर्कल को यहाँ आने तक का इंतजार करते हैं और उस दौरान हम ये गिनेंगे कि इसने टोटल कितने लैप्स किए। ठीक है, तो आप मेरे साथ गिनिएगा एक बार तो आपको आइडिया होगा कि ये एक बार जब पूरा कंप्लीट करके यहाँ तक आता है तो क्या ये 9 बार घूमता है एज पर अवर कैलकुलेशन। सो वी विल ट्राई टू एनालाइज दिस इनपुट। तो अब हम यहाँ से इसकी एनिमेशन शुरू कर रहे हैं और यहाँ पे हमने शुरू किया है ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। बिल्कुल मैंने यहाँ रोक दिया, देखिए वापस से ये आपके पास जो आर्म है जो आपको आर्म नजर आ रही है ये वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई है पूरा सर्कल काट के, और 9 टाइम्स आपके पास ये ब्लू वाला जो सर्कल था वो रोटेट हुआ है। इसका मतलब ये हो रहा है कि फॉर वन इनपुट आरपीएम वी आर गेटिंग 9 आउटपुट आरपीएम। तो हमारे पास जो गियर रेशियो है वो 9 टाइम्स इसमें बढ़ चुका है। सो दिस इज हाउ अवर एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन वर्क्स। तो हमारे को इसमें बहुत स्मूथ मिलती है राइड, और जो आपके पास अलग अलग गियर्स हैं वो भी हम इसमें एंगेज कर सकते हैं। उसके लिए हम एक छोटा एग्जांपल लेंगे, इतना कॉम्प्लेक्स एग्जांपल नहीं लेकर के हम सिंपल 2 गियर्स का एग्जांपल के साथ में अगली क्लास में उस चीज को समझेंगे कि हमारे पास डिफरेंट गियर रेशियोज कैसे आते हैं, बट द प्रिंसिपल इज सेम फॉर ऑल द एपिसाइक्लिक गियर बॉक्सेस। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड कि हम बात करते हैं एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स की। तो कंपेयर टू कन्वेंशनल गियर बॉक्सेस हैज स्मॉलर डायमेंशन। तो इसका एक अच्छी एडवांटेज ये है कि एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स का साइज छोटा होता है विद रेस्पेक्ट टू कन्वेंशनल गियर बॉक्सेस, जो हम नॉर्मली मैनुअल ट्रांसमिशन में यूज कर रहे हैं उनके रेस्पेक्ट में इसका जो साइज होता है वो छोटा होता है। सेकेंड हम बात करते हैं ग्रेट ड्यूरेबिलिटी देन कन्वेंशनल बाइक्स इन गियर। तो ड्यूरेबिलिटी काफ़ी होती है यानी काफ़ी लंबे समय तक चलता है, ड्यूरेबल होता है, तो ऐसा नहीं है कि बार बार बीच में वो कुछ मेल फंक्शनिंग करने लगे, तो उसके बजाय हम एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन को हम ज़्यादा ड्यूरेबल कह सकते हैं। थर्ड जो एडवांटेज है वो है इजी टू अचीव हाई ट्रांसमिशन रेशियो ड्यू टू द साइज। तो हमें अच्छी ट्रांसमिशन रेशियो मिल सकता है, हम हायर स्पीड्स अचीव कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स। इसी तरीके से दे हैव हायर गियर रेशियोज, तो हम मैनुअल में इतने अच्छे गियर रेशियोज नहीं ले पाते हैं जितने कि हम एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स में ले पाते हैं। तो दीज आर इट्स एडवांटेजेस। यदि हम बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो मोर एक्सपेंसिव देन कन्वेंशनल प्रोडक्शन ऑफ गियर बॉक्सेस। तो जो कन्वेंशनल गियर बॉक्सेस आते हैं उनके रेस्पेक्ट में एपिसाइक्लिक गियर बॉक्सेस कॉस्टली होते हैं, महंगे पड़ते हैं। इसी तरह से यदि हम बात करें मोर कॉम्प्लेक्स देन कन्वेंशनल ट्रांसमिशन,
तो जो इनका डिज़ाइन है वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, और हमने पढ़ा था कि जब डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स होता है तो मेंटेनेंस कॉस्ट और इनिशियल कॉस्ट दोनों ही बढ़ जाती हैं, तो बोथ आर रिलेटेड टू इट्स डिसएडवांटेजेस। यदि हम एप्लीकेशंस की बात करें तो एपिसाइक्लिक गियरबॉक्स की काफ़ी जगह एप्लीकेशंस होती हैं। दीज आर यूज्ड इन बैक गियर्स ऑफ लेथ, हॉइस्ट, पुली ब्लॉक्स, रिस्ट विंचेस, तो हम इन सब जगह पे एपिसाइक्लिक गियरबॉक्सेस को यूज़ कर सकते हैं। तो हमें काफ़ी लार्ज वेराइटी ऑफ आउटपुट जो गियर रेशियो है वो हमें अवेलेबल रहता है। इसी तरह से दे आर पॉपुलर फॉर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इन ऑटोमोबाइल, तो जब हम ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के लिए गियर्स यूज करते हैं तो हम लोग एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन को भी एज अ वन ऑप्शन यूज करते हैं। सिमिलरली दे आर ऑल्सो यूज इन बाइसिकल्स फॉर कंट्रोलिंग पावर ऑफ पेडलिंग ऑटोमेटिकली और मैनुअली। तो देखिए कुछ जो बाइसिकल्स हैं जो हाई एंड बाइसिकल्स कंपनीज बनाती हैं वो भी एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन को यूज करती है टू गेट मोर स्पीड। तो हमने देखेंगे आप यदि जो गियर वाली साइकिल हम जिसको बोलते हैं उसमें आप देखेंगे तो एपिसाइक्लिक गियरबॉक्स आपको देखने को मिलेगा जिससे स्पीड काफी हाई हो जाती है। सिमिलरली यदि हम देखें दे आर ऑल्सो यूज फॉर पावर ट्रेन बिटवीन इंटरनल कंबशन इंजन एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स, तो जो आईसी इंजन होते हैं उनके लिए भी हम लोग पावर ट्रेन के रूप में इनको काफी वाइडली यूज करते हैं एंड ऑल्सो इन इलेक्ट्रिक मोटर्स। तो वहां पर भी हम लोग कई टॉयज होते हैं, कई तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है, उस पर भी हम लोग आउटपुट शाफ्ट पे एपिसाइक्लिक गियरबॉक्स लगा के काफ़ी सारी स्पीड वेरिएशंस ले पाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एपिसाइक्लिक गियरबॉक्स। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, दैट इज हाइड्रोलिक टॉर्क कन्वर्टर। तो हाइड्रोलिक टॉर्क कन्वर्टर कुछ ऐसा लग रहा है हमने पहले सुन रखा है, लेकिन वॉट इट वॉज दैट इज योर हाइड्रोलिक फ्लाईव्हील, और हमने पढ़ा था हाइड्रोलिक कपलिंग। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो हाइड्रोलिक कपलिंग जो होता है उसमें और हाइड्रोलिक टॉर्क कन्वर्टर में कुछ फर्क होता है, ऑल्दो यदि हम कंस्ट्रक्शन देखें तो बहुत क्लोजली एक जैसा लगता है देखने में, लेकिन कुछ बेसिक डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है वो हाइड्रोलिक कपलिंग से डिफरेंट होता है एंड इट इज कॉल्ड हाइड्रोलिक टॉर्क कन्वर्टर। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट बात होती है हाइड्रोलिक कपलिंग से डिफरेंस जो हम बोलें तो वो ये है कि हाइड्रोलिक कपलिंग सिर्फ क्या करती है अपने टॉर्क को एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पे ट्रांसमिट करती है, दैट्स इट। यानी कि मान लीजिए लेफ्ट पे कुछ आपको टॉर्क मिल रहा है या कुछ आरपीएम रिसीव हो रहे हैं तो हम फ्लूड की इस्तेमाल से हम उसको लेफ्ट वाली शाफ्ट से राइट वाली शाफ्ट पे ट्रांसफर करते हैं विद द हेल्प ऑफ योर टर्बाइन एंड रोटर ब्लेड्स, ठीक है। तो हम वहाँ पर पहले पढ़ चुके हैं, पंप ब्लेड भी हमने पढ़ा था और टर्बाइन ब्लेड भी पढ़ा था, और उन दोनों में हमने फ्लूड को घुमा करके क्या किया था टॉर्क को एक तरफ से दूसरी तरफ में ट्रांसफर किया था, राइट। बट इन हाइड्रोलिक टॉर्क कन्वर्टर वी डोंट नीड टू जस्ट ट्रांसफर द यू नो टॉर्क, वी नीड टू इंक्रीज द टॉर्क एज वेल। हमें चाहिए कि हमें टॉर्क बढ़ भी जाए क्योंकि यही काम है हमारे गियर्स का। तो हमारा जब भी टॉर्क रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है तो हमारे को गियर रेशियो चेंज करना होता है, तो हाइड्रोलिक टॉर्क कन्वर्टर हमारे लिए वो काम करता है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट इज हाइड्रोलिक टॉर्क कन्वर्टर। हाइड्रोलिक टॉर्क कन्वर्टर रिजेंबल्स द फ्लूड कपलिंग, तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं फ्लूड कपलिंग, उसके जैसा ही देखने में लगता है। ऑयल ट्रांसमिट्स पावर इन बोथ, यानी कि ऑयल जो हम लोग यूज करते हैं, हाइड्रोलिक फ्लूड जो हम यूज करते हैं, वो टॉर्क जो आपके पास में कन्वर्टर है या फिर फ्लूड कपलिंग है, दोनों में ही टॉर्क को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ट्रांसफर करने का काम करता है। एट लो स्पीड द ब्लेड्स ऑफ अ पंप एंड इंपेलर फोर्स ऑयल अगेंस्ट द ब्लेड एज अ स्टेटर। तो इसमें क्या होता है हमारे पास में, अभी जैसा कि हमने बात किया कि इसमें जो टॉर्क होता है वो इंक्रीज करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ योर वन एडिशनल अटैचमेंट। तो अब हम उसको समझने के लिए पहले इसका एक बार डायग्राम देखते हैं। तो नाउ यू कैन सी ओवर हेयर, ये बिल्कुल आपको हाइड्रोलिक कपलिंग के जैसा ही दिख रहा है। उसमें भी हमने पढ़ा था यहाँ पर आपके पास पंप जो था वीत था और एक साइड में आपके पास टर्बाइन वीत था। यदि हम यहाँ पर बात करें तो हमने इसके नाम को थोड़ा सा चेंज कर दिया, वी कॉल इट इम्पेलर जो व्हील है और एक तरफ में हमारे पास टर्बाइन व्हील है। सो टर्बाइन व्हील इज ओवर हेयर, इम्पेलर व्हील इज ओवर हेयर। तो आप देखिए हमेशा इम्पेलर व्हील इनपुट होता है, तो इनपुट का मतलब है कि जहाँ से आपको ट्रांसमिशन मिल रही है वो आपके पास इम्पेलर इम्पेलर जो व्हील होगा वो आपके पास हमेशा इंजन से कनेक्टेड होगा। तो ये देखिए यहाँ पर ट्रांसमिशन इनपुट शाफ्ट एंगेजेस स्प्लाइंट इन टर्बाइन, तो यहाँ से आपको इंजन कनेक्टेड है और इंजन से जो आरपीएम मिल रहे हैं वो आपके इम्पेलर शाफ्ट को मिल रहे हैं। इम्पेलर शाफ्ट से आपके पास जो इसके अंदर हाइड्रोलिक ऑयल है वो क्या करता था, हमारे पास जो टर्बाइन ब्लेड है उसको घुमाता था। तो वो क्या होता था, ये कंटिन्यूस लूप चलता था इन केस ऑफ योर
हाइड्रोलिक कपलिंग, लेकिन हाइड्रोलिक कपलिंग में ये दो ही पार्ट होते थे, लेकिन यदि हम हाइड्रोलिक टॉर्क कन्वर्टर की बात करें तो यू कैन सी वन मोर पार्ट इन बिटवीन देम, दैट इज कॉल्ड स्टेटर। तो स्टेटर क्या करता है, स्टैटिक होता है, और ये क्या करता है, इट विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ योर फ्लूइड। तो जो डायरेक्शन की हम बात करते हैं उसको ये चेंज करने का काम करता है स्टेटर। तो लेट्स गो टू इट्स स्केमेटिक डायग्राम। यदि हम यहाँ पर देखें तो हमारे को दिख रहा है फर्स्ट वन इज योर इम्पेलर, तो ये जो राइट साइड का आपको जो कर्व दिख रहा है दैट इज योर इम्पेलर कर्व, एंड लेफ्ट साइड का जो कर्व दिख रहा है दैट इज योर टर्बाइन कर्व। तो जो टर्बाइन कर्व है वो आपके पास किससे जुड़ा हुआ है, आपके पास में आउटपुट शाफ्ट से। आप देखेंगे यहाँ पर ये आउटपुट शाफ्ट है आपके, तो इससे आपके पास में टर्बाइन का जो ब्लेड्स हैं वो जुड़े हुए हैं। और इसी तरह से यदि हम इम्पेलर की बात करें जो आपका इनिशियली घूमेगा, तो इम्पेलर जो आपके पास जुड़ा हुआ है वो कहाँ से जुड़ा हुआ है आपके पास, यहाँ से आप देखेंगे इसका कनेक्शन आपके पास जाकर के फ्लाईव्हील से है। तो ये इनपुट शाफ्ट है, इस इनपुट शाफ्ट के साथ ही कनेक्टेड है ये इम्पेलर। तो जब फ्लाईव्हील घूमेगा तो आपका इम्पेलर भी घूमेगा और इसमें जो फ्लूइड है वो इस पूरे पाथ को फॉलो करेगा। अब जो इम्पॉर्टेंट जो चीज है या फिर हम बोलेंगे कि बेसिक डिफरेंस है किसी फ्लूइड कपलिंग में और टॉर्क कन्वर्टर में, वो है बिकॉज ऑफ दिस स्टेटर। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर स्टेटर यूज किया गया है, जबकि फ्लूइड कपलिंग में स्टेटर नहीं होता था, वहां पर सिर्फ आपके पास पंप व्हील और टर्बाइन व्हील होता था, लेकिन यहाँ पर आपके पास इम्पेलर है, यहाँ पर टर्बाइन है, लेकिन बीच में आपको एक स्टेटर नजर आ रहा है जो कि फ्री व्हील पर है। यानी आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये क्या है, फ्रीली घूम सकता है, फ्री व्हील के ऊपर में माउंटेड है ये स्टेटर। ठीक है, इसका यदि हम इस कंस्ट्रक्शन को यदि हम डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड की बात करें कि फ्लूइड किस तरह से रोटेट होगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये फ्लूइड आपके पास इस तरीके से चल रहा है, और ये आपको देखने को मिलेगा कि ये क्या हो रहा है, इट इज इन एंटी क्लॉक क्वाइज डायरेक्शन, यू कैन सी ओवर हियर राइट। सो इन दिस डायग्राम यू कैन सी द डायरेक्शंस। तो आप यहां पर जो डायरेक्शन देखेंगे, बिकॉज द फ्लूइड विल एंटर लाइक दिस, यदि हम इसको यहां पर बात करें तो आपके पास में जो डायरेक्शन दिखाया हुआ है वो यहां पर इस तरीके से यूज किया गया है। सो ओवर हियर ऑन द लेफ्ट साइड यू हैव टर्बाइन, देन वी हैव स्टेटर ब्लेड्स, एंड देन वी हैव इंपेलर ब्लेड्स। तो आपके पास ये तीनों ब्लेड्स हैं और आपका जो फ्लूइड का डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको समझते हैं कि कैसे काम करता है। तो ये हमारे पास जो डायग्राम दिख रहा है वो हमारे पास स्टैटिक कंडीशन का है, जब हमारी जो हाइड्रोलिक टॉर्क कन्वर्टर है वो स्टार्ट होता है, और ये जो है ये जब है 80-85% पर जब वो स्पीड पे घूम रहा होता है, तो हमारे पास इस तरह का डायरेक्शन हमको मिलता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये क्या है। तो टर्बाइन की जो ब्लेड्स हैं उसका जो शेप है वो आपका पर्टिकुलर एक कह सकते हैं प्रोफाइल में होता है, और सेम प्रोफाइल आपके पास इम्पेलर का जो ब्लेड होता है उसका होता है। तो जब आपके पास इनिशियल स्टार्ट करते हैं हम, तो क्या होता है, यहाँ से जो फ्लूइड है, कह लीजिए ऑयल है, वो क्या करता है, रोटेट होने की वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, इट विल ट्राई टू गो टुवर्ड्स आउटसाइड। तो इम्पेलर सबसे पहले घूम रहा है बिकॉज इट इज कनेक्टेड विथ योर इनपुट शाफ्ट। तो इम्पेलर जैसे जैसे घूमता है तो क्या होता है, ये जो ऑयल है इसको थ्रो करने की कोशिश करता है, और यहाँ पर थ्रो करने से क्या होता है, ये आउटर पेरिफेरी की तरफ जाता है, और ये किस पे जाता है, सीधे जाकर के टकराता है आपके टर्बाइन के ऊपर में, और टर्बाइन से टकराने के बाद इसको वापस से रोटेट होकर आना चाहिए था इम्पेलर के ऊपर में, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब ये इसकी स्लो स्पीड होती है तो ये सीधे टकराता है आपके टर्बाइन ब्लेड पर, और बीच में जो आपके पास स्टेटर है, जब हम यहाँ से बात कर रहे हैं इस लोअर सेगमेंट की, तो हम यदि बात करें तो टर्बाइन से निकलते वक्त ये क्या करता है, स्टेटर ब्लेड को टकराता है और उसके बाद इम्पेलर पे जाकर के टकराता है। तो जब लो आरपीएम होती है तो स्टेटर को क्या करता है, ये धीरे धीरे मूव करता है, लेकिन इम्पेलर को ये पूरी एनर्जी देने की कोशिश करता है। तो स्लोली एंड स्लोली योर इम्पेलर विल ऑल्सो स्टार्ट टू रोटेट। जैसा हमने दो फैन के साथ में एक एग्जाम्पल देखा था कि यदि हम लेफ्ट साइड वाले फैन को पावर देते हैं तो राइट साइड वाला फैन जो होता है वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आरपीएम गेन करने लगता है, और धीरे धीरे हम देखेंगे कि एक स्पीड ऐसी आती है जहां पर वो लगभग उस आरपीएम के नजदीक पहुंच चुका होता है। तो यहाँ पर भी सेम चीज होती है कि जैसे जैसे हम इंजन की आरपीएम बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, आपके पास टर्बाइन जो फोर्स करता है इस फ्लूइड को वो इम्पेलर पे स्ट्राइक करता है, और स्टेटर भी क्या होता है आपका अलाइन आने की कोशिश करता है, यानी कि उस चीज को फॉलो करने की कोशिश करता है। तो लगभग 80-85% पर जब हमारी आरपीएम आती है उस कंडीशन पर यदि हम देखें तो इनका जो अलाइनमेंट होता है वो कुछ इस प्रकार से हो जाता है, यानी जो भी आपके पास फ्लूइड मिलता है उसके अंदर एक चैनलाइज आपको एक पाथ मिलता है। तो आप देखेंगे टर्बाइन से जो निकलने वाला जो
फ्लूड है वो क्या करता है, टर्बाइन से निकल करके थ्रो करता है स्टेटर पे, और स्टेटर उसका डायरेक्शन चेंज कर देता है, और जब डायरेक्शन चेंज होता है तो इससे ऑटोमेटिकली आपका टॉर्क इंक्रीज हो जाता है। तो टॉर्क इंक्रीज होते ही वो क्या होता है, इंपेलर के ऊपर में स्ट्राइक करता है और वो वापस से एक सर्कल पूरा करने के लिए टर्बाइन में आ जाता है। तो इस प्रकार से ये रेगुलरली घूमता रहता है और 80-85% के ऊपर में ये क्या करता है, इट विल गेट चैनलाइज्ड, और इस कंडीशन में ये क्या होता है, इसका एक स्टेज में, बिकॉज वन स्टेटर इज यूज्ड, तो सिंगल स्टेज कहलाता है ये। ओवर हियर यू कैन सी सिंगल स्टेज टॉर्क कन्वर्टर, इसका मतलब क्या है कि हम सिंगल स्टेज में इसके टॉर्क को इंक्रीज कर रहे हैं। यदि हम इसी में मल्टी स्टेज लगाना चाहें तो हम और स्टेटर और इम्पेलर और स्टेटर और इम्पेलर को भी आगे लगा सकते हैं। तो जितनी बार हम इसको डायरेक्शन को चेंज करेंगे उतने स्टेजेस इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो हम इसको लगभग 2-3 times हम इसमें टॉर्क को इंक्रीज कर पाते हैं। तो जो भी आपके पास इनपुट मिल रहा है उसके टॉर्क को हम 3 times तक इसमें इंक्रीज कर पाते हैं विद हेल्प ऑफ वेरियस स्टेजेस यूज इन टॉर्क ट्यूब कन्वर्टर। सो दिस इज हाउ योर टॉर्क ट्यूब कन्वर्टर वर्क्स। ठीक है, सो आई होप दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बींग विथ मी।